नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे कोरोना की चौथी लहर को लेकर। बिहार में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से हमें सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार में कोरोना को लेकर एक बार फिर से लोगों को सचेत सीएम नीतीश कुमार ने किया है। जिस तरह से विश्व के कई देशों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, उसके बाद से बिहार में भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। बता दें कि पूरे विश्व में कोरोना की तीसरी लहर ने लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान किया था। अगर हम पहली लहर की बात करें तो भारत पर इसका बहुत ज़्यादा असर तो नहीं देखने को मिला था। वहीं अगर हम बिहार में कोरोना जांच की बात करें तो जांच के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। साथ ही साथ बिहार सरकार की तरफ से लगातार लोगों को जांच करने को कहा जा रहा है। पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में अभी कोरोना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी दिन एक केस तो किसी दिन मिलता है तो वह भी ठीक हो जाते हैं। इसके बाद जब उनसे चौथी लहर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिहार वर्तमान में पूरी तरह से सतर्क है, फिर भी कोरोना का दौर आ सकता है, इसको लेकर हमने तैयारी शुरू कर दी है। इस दौरान बोलते हुए उन्होंने यह भी कहा कि देश भर में सबसे ज़्यादा कोरोना के औसतन जाँच बिहार में ही हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हम कोरोना वैक्सीन और कोरोना की जाँच को लेकर लगातार प्रेरित है, यानी कि लोगों को जो है कह रहे हैं कि एक तो आप जांच करवाएं, दूसरा वैक्सीन लगवाएं। विश्व के कई देशों में जिस तरह से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, साथ ही देश के कई राज्यों में अचानक से कोरोना के मामलों की पुष्टि होने लगी है, ऐसे में बिहार सरकार ने अभी से सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में कोरोना जाँच को लेकर सतर्कता बढ़ाने जाने की बात कही गई, साथ ही साथ जिलों में कोरोना की जाँच की संख्या बढ़ाने के साथ साथ लोगों को जागरूकता फैलाने की बात कही गई है। कोरोना जांच को लेकर एक बार फिर से टीमों का गठन किया गया, साथ ही साथ दूसरे प्रदेश से बिहार आ रहे लोगों की जांच की शुरुआत एक बार फिर से होने लगी है। साथ ही साथ विभाग ने अब कोरोना से निपटने की तैयारियां भी शुरू कर दी है। बता दें कि अस्पतालों में ऑक्सीजन, निर्बाध बिजली और जरूरी दवाओं की व्यवस्था भी अभी से शुरू कर दी गई है। बिहार में अगर हम 17 अप्रैल के कोरोना केस की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 70,865 सैंपल की जाँच की गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 5 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। एक मरीज ठीक होकर घर पहुंचे हैं, जबकि प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 11 है। ऐसे में बिहार सरकार एक बार फिर से जांच की रफ्तार को बढ़ा रही है ताकि कोरोना के मामले में कमी आ सके। प्रदेश में जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी के हालात देखने को मिल रही है, इसी तरह से घरों में लोगों को रहने की बात कही गई है, क्योंकि ठंड और गर्मी होने के बाद से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। विभाग हीट वेव के साथ साथ कोरोना की तैयारियों में भी जुटा हुआ है। एक तरह से कह लें कि स्वास्थ्य विभाग जहां लोगों के हीट वेव से लोगों की समस्या है, तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना के मामलों की भी पुष्टि देश के अलग अलग राज्यों में हो रही है। ऐसे में बिहार सरकार जो है दोनों तरह की तैयारियों में जुटा है, एक तो हीट वेव, दूसरा कोरोना को लेकर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।